हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आस्क नीटिंग। देखिए, आज मैं बहुत ही ब्यूटीफुल लीफ का पैटर्न लेके आई हूँ। इस डिजाइन को आप लेडी स्वेटर, बेबी स्वेटर में डाल सकते हो। देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल डिजाइन है। इस डिजाइन को बनाने के लिए आपको 10 का मल्टीपल में फंदे लेना होगा और प्लस वन प्लस टू एज स्टिच करना होगा। मल्टीपल ऑफ 10 प्लस वन प्लस टू, मैंने इसमें 10 फंदों का डिजाइन लगाया है। आप कितना बड़ा बनाने चाहते हो, आप उसी हिसाब से आपको फंदा डालना है। इसमें मैंने 10 का मल्टीपल करके 20 प्लस वन प्लस टू कर लिया है, टोटल 23 कर लिया है। एक सलाई तो आपको बेस रो बुनना है। एक फंदे से स्लिप करिए धागा पीछे, 9 फंदा सीधा, 10 फंदा सीधा, 10 फंदा सीधा, धागा आगे, एक फंदा उल्टा एक्स्ट्रा स्टिच, धागा पीछे, फिर से 10 फंदा सीधा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, धागा आगे एज स्टिच उल्टा। राइट साइड से शुरू करना है। एक फंदे से स्लिप करिए एज स्टिच, धागा आगे, अब 9 फंदा उल्टा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब 9 धागा पीछे। अब इस फंदे में आपको, इस एक फंदे में आपको 5 फंदा बनाना है, 1 2 3 4 5, एक फंदे में से आपको 5 फंदा बनाना है इस तरह से। अब इस सेंटर का एक फंदा आपको एज स्टिच सीधा, फिर से आपको इस फंदों में फिर 5 फंदा बनाना है, 1 2 3 4 5, धागा आगे, बाकी के फंदे आप उल्टा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एज स्टिच भी उल्टा। रंग साइड आपको जो फंदा उल्टा दिख रहा है इसको उल्टा बुनिए, जो फंदा सीधा दिख रहा है इसको सीधा बुनिए। रंग साइड देखिए, एक फंदा इससे उतारिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 फंदे सीधा। अब जो एक फंदे में हमने 5 फंदे बनाए थे उस फंदे का उल्टा बुनना है, 1 2 3 4 5, देखिए सेंटर का एक फंदा भी इसको उल्टा दिख रहा है, इसको उल्टा बुनिए और फिर 5 फंदा उल्टा, 1 2 3 4 5, धागा पीछे, फिर बाकी के फंदे आपको सीधा बुनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एज स्टिच उल्टा। देखिए, अब इस साइड में आपको फंदे घटाते जाना है। देखिए, इस सेंटर का एक फंदा है, इस साइड साइड में आपको फिर फंदा बढ़ाते जाना है। यहाँ यहाँ आपको इस साइड में आपको फंदा घटाते जाना है, यहाँ आपको फंदे बढ़ाते जाना है। देखिए, धागा आगे,
एक फंदे से स्लिप करिए धागा आगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात, सात फंदे उल्टे। अब इस दो फंदों को एक फंदा बना के आपको एक फंदा यहाँ घटाना है इस तरह से, तो धागा पीछे। अब यहाँ आपको जाली डालना है, यहाँ आपको जाली डालना है इस तरह से, एक दो, दो फंदे सीधे जाली डालना है इस तरह से। अब इस सेंटर का एक फंदा सीधा, फिर से जाली डालेंगे इस तरह से, अब फिर दो फंदे सीधे, एक एक दो। देखिए अब यहाँ आपको एक फंदा बढ़ाना है इस तरह से, इस तरह से लेना है। अब उल्टे की तरफ से आपको उल्टे बुनना है इस फंदे का, यहाँ एक फंदा बढ़ाना है। अब देखिए सेंटर का एक फंदा आपको सीधा बुनना है, धागा धागा पीछे, फिर से आपको यहाँ फिर एक फंदा बढ़ाना है, यहाँ भी आपको एक फंदा बढ़ाना है, धागा आगे, इस फंदे को उल्टा बुनना है। धागा पीछे, अब यहाँ आपको जाली डालना है, दो फंदे सीधे जाली डालेंगे, अब एक फंदा सीधा, फिर से जाली डालेंगे, फिर से दो फंदे सीधे, एक एक दो, धागा आगे। अब यहाँ आपको फंदे घटाना है, इसलिए आपको दो फंदों का एक फंदा बनाना है उल्टी की साइड से, और बाकी के फंदे आपको उल्टा, एक दो तीन चार पाँच छ सात एडजस्टिच आठ। देखिए रंग साइड आपको जो फंदा उल्टा दिख रहा है उसको उल्टा बुनिए, जो फंदा सीधा दिख रहा है उसको सीधा बुनिए रंग साइड, एक दो तीन चार पाँच छ सात। देखिए रंग साइड में, राइट साइड में हमने जो एक फंदे बढ़ाए थे, अब इस साइड में आपको सीधा बुनना है, आठ आठ फंदे सीधे, धागा आगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात, सात फंदे उल्टे, धागा पीछे, फिर इस फंदे को बढ़ाए थे उस फंदे का अब यहाँ सीधा बुनना है, एक एक फंदा सीधा, धागा आगे, फिर से एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर से इस फंदे को सीधा दिख रहा है इसको सीधा बुनिए, एक दो तीन चार पाँच छ सात, सात फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ एडजस्टिच उल्टा। एक फंदे से स्लिप करिए राइट साइड, आपको धागा आगे, एक दो तीन चार पाँच छ, छः फंदा उल्टा। अब यहाँ आपको फंदा घटाना है, इसलिए आपको दो फंदों को एक फंदा बनाना है, धागा पीछे। अब यहाँ आपको जाली डालनी है इस तरह से, यहाँ आपको जाली डालनी है, एक दो तीन, अब यहाँ जाली डालनी है इस तरह से। अब इस सेंटर का एक फंदा सीधा, फिर से इस साइड में भी जाली डालेंगे, फिर तीन फंदा सीधा, एक दो तीन। देखिए आप यहाँ एक फंदा बढ़ाना है, धागा आगे, अब यहाँ से आप इस तरह से लेंगे एक फंदा, अब इस फंदे का आपको उल्टा बुनना है, एक यहाँ अब आपको दो फंदे उल्टे आएगा, धागा पीछे, अब इस सेंटर का एक फंदा सीधा, धागा आगे, फिर से यहाँ आपको फंदा बढ़ाना है इस तरह से, एक ए दो, यहाँ दो, यहाँ भी दो फंदा उल्टा, धागा पीछे, अब फिर से आपको यहाँ जाली डालना है, एक दो तीन, तीन फंदा सीधे जाली डालना है, एक फंदा सीधा, फिर से इस साइड में जाली डालना है, फिर तीन फंदे सीधे, एक दो ए तीन, धागा आगे। देखिए अब यहाँ भी आपको एक फंदा घटाना है इस तरह से, दो का एक करना है, अब बाकी के फंदे फिर से उल्टा, एक दो तीन चार पाँच छ एडजस्टिच भी उल्टा रॉन्ग साइड।
रंग साइड आपको जो फंदा उल्टा दिख रहा है उसको उल्टा बुनिए, जो फंदा सीधा दिख रहा है उसको सीधा बुनिए, जो इस तरह इस साइड में आपको फंदा बढ़ाए थे उस फंदे का आपको यहाँ सीधा बनाना है। देखिए राइट साइड, देखिए इस तरह से आपको यहाँ फंदा घटाते जाना है, देखिए यहाँ आपको उल्टा फंदा बढ़ते जाना है। एक फंदे से स्लिप करिए एज स्टिच, एक दो तीन चार पांच, पांच फंदा उल्टे। अब इस यहाँ दो का एक करना है धागा पीछे। अब यहाँ आपको जाली डालना है, एक दो तीन चार, चार फंदे सीधे जाली डालना है इस तरह से, फिर सेंटर का एक फंदा सीधे, फिर इस साइड में भी जाली और फिर चार फंदे सीधे, एक दो तीन चार, धागा आगे। अब यहाँ आपको एक फंदा बढ़ाना है इस तरह से, एक दो तीन, यहाँ आपको तीन फंदे उल्टे हो गए, फिर से एक फंदा सीधा धागा आगे। अब यहाँ भी आपको फंदा बढ़ाना है, उल्टी उल्टी बुनना है आपको इसको, एक दो तीन, यहाँ भी आपको तीन फंदे उल्टे। अब यहाँ भी आपको चार जाली डालना है इस तरह से, एक दो तीन चार, चार फंदे सीधे जाली डालेंगे इस तरह से। अब ये सेंटर का एक फंदा सीधा, फिर से जाली डालना है इस तरह से, फिर चार फंदे सीधे, एक दो तीन चार, धागा आगे। अब यहाँ आपको फंदा घटाना है, दो का एक करना है एक बार, अब बाकी की फंदे फिर उल्टा। रंग साइड आपको जो फंदा उल्टा दिख रहा है उसको उल्टा बुनिए, जो फंदा सीधा दिख रहा है उसको सीधा बुनिए, जो यहाँ आपको फंदा बढ़ाए थे उस फंदे को आप इस साइड में आपको सीधा बनाना है। रंग साइड कंप्लीट कर लिया है। अब राइट साइड, राइट साइड एक फंदा से स्लिप करिए एज स्टिच, एक दो तीन चार, चार फंदे उल्टे, फिर यहाँ दो का एक करना है धागा पीछे। अब यहाँ आपको जाली डालना है, एक दो तीन चार, एक पांच, पांच फंदे सीधे धागा इस तरह से घुमाना है, जाली डालना है, फिर एक फंदा सीधा, फिर से जाली डालना है इस तरह से, फिर पांच फंदे सीधे, एक दो तीन चार पांच, धागा आके। अब यहाँ आपको फंदा बढ़ाना है इस तरह से और फिर उल्टा बुनना है इस फंदे का, एक दो तीन चार, चार फंदे उल्टे धागा पीछे। अब इस सेंटर का एक फंदा सीधा है, एक्स्ट्रा फंदा आपको सीधा बनना है, धागा आगे, फिर से आपको यहाँ एक फंदा बढ़ाना है, एक दो तीन चार फंदे उल्टे धागा पीछे, फिर यहाँ जाली डालना है, एक दो तीन चार पांच, पांच फंदे सीधे जाली डालेंगे इस तरह से, एक फंदा सीधे, फिर से जाली डालेंगे और फिर पांच फंदे सीधे, एक दो तीन चार पांच, धागा आगे। अब यहाँ दो का एक करना है उल्टे की साइड से, फिर बाकी के फंदे उल्टे, दो तीन चार, चार फंदे उल्टे एज स्टिच उल्टे। रंग साइड आपको जो फंदा उल्टा दिख रहा है उसको उल्टा बुनिए, जो फंदा सीधा दिख रहा है उसको सीधा बुनिए रंग साइड। देखिए राइट साइड, एक फंदे से स्लिप करिए, एक दो तीन फंदे उल्टे, अब दो का एक करना है धागा पीछे। अब यहाँ जाली डालेंगे, एक दो तीन चार पांच छः, छः फंदे सीधे जाली डालेंगे इस तरह से, एक फंदे सीधे सेंटर का, फिर से जाली डालेंगे, फिर छः फंदे सीधे, एक दो
चार पाँच छः धागा आगे। अब यहाँ आपको फंदा बढ़ाना है इस तरह से लेंगे। अब इस फंदे का आपको उल्टा बनाना है, एक दो तीन चार पांच फंदे उल्टे, धागा पीछे। अब ये सेंटर का एक फंदा सीधा, धागा आगे, फिर से आपको यहाँ फंदा बढ़ाना है इस तरह से, फिर उल्टा बुनेंगे। अब फिर बाकी के उल्टे फंदे, एक दो तीन चार, धागा पीछे। अब यहाँ आपको जारी डालेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः फंदे सीधे, जाली डालेंगे इस तरह से। अब इस सेंटर का एक फंदा सीधे, फिर से जाली डालेंगे, फिर से छः फंदे सीधे, एक दो तीन चार पाँच छः, धागा आगे। अब यहाँ आपको फंदा घटाना है, दो का एक करना है। अब बाकी के फंदे, एक दो तीन फंदे उल्टे, एज स्टिच भी उल्टा। रंग साइड आपको जो फंदा उल्टा दिख रहा है उसको उल्टा बुनिए, जो फंदा सीधा दिख रहा है उसको सीधा बुनिए। रंग साइड, राइट साइड में अब आपको कितना बड़ा बनाना चाहते हो ये स्लिप को, उसी हिसाब से आपको फंदे डालना है, उसी हिसाब से आपको पत्ता बढ़ाना है। अब आपको मैं यहाँ से क्लच करना है, क्लच करती हूँ इस पत्ते को। देखिए, एक फंदे से स्लिप करिए, एक फंदा उल्टा, दो फंदा उल्टा। अब यहाँ घटाना है, दो का एक करना है। यहाँ आपको एक फंदा रेंजल आपको घटाते जाना है, धागा पीछे। अब इस पत्ते को आप क्लोज करना है, देखिए इस तरह से, एक फंदे से स्लिप करिए, फिर एक फंदा सीधा बुनिए। ये स्लिप फंदा इस तरह से गिरा देना है आगे के फंदे के ऊपर से। अब बाकी के फिर एक दो तीन, अब इस जाली को आप सिंपल सीधा बुनना है, चार, अब यहाँ जाली नहीं डालना है, पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह, ग्यारह फंदे सीधे बीच में, फिर दो का एक करना है आगे की साइड से इस तरह से, धागा आगे। अब यहाँ आपको फंदा बढ़ाना है इस तरह से लेंगे। और फिर इस फंदे को उल्टा बुनेंगे, फिर बाकी के उल्टे फंदे, एक दो तीन चार पाँच, धागा पीछे, सेंटर का एक फंदा सीधे, धागा आगे, फिर से यहाँ आपको एक फंदा बढ़ाना है इस तरह से, फिर बाकी के उल्टे फंदे, एक दो तीन चार पाँच, धागा पीछे। अब यहाँ भी आपको पत्ता को क्लोज करना है, एक फंदे से स्लिप करिए, एक फंदा सीधा स्लिप फंदा इस तरह से गिरा देना है। और फिर बीच में आपको एक दो तीन चार, सारे फंदे आपको सीधा बुनना है, पाँच या जाली नहीं डालना है, छ सात आठ नौ दस फंदे सीधे, फिर दो का एक करना है आगे की साइड से, धागा आगे। देखिए यहाँ भी आपको घटाना है एक फंदा, दो का एक करना है उल्टे की साइड से, फिर एक दो फंदा उल्टे, एज स्टिच भी उल्टा। रंग साइड आपको जो फंदा उल्टा दिख रहा है उसको उल्टा बुनिए, जो फंदा सीधा दिख रहा है उसको सीधा बुनिए रंग साइड। देखिए राइट साइड, एक फंदे से स्लिप करिए, अब एक फंदा उल्टा, अब दो का एक करना है उल्टे की साइड से, धागा पीछे। अब यहाँ फिर घटा पत्ते को क्लोज करना है, एक फंदे से स्लिप करिए, फिर एक फंदा सीधा स्लिप फंदा, फिर इस तरह से गिरा देना है। फिर बाकी के बीच में आपको एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ फंदे उल्टे, और फिर दो का ही करना है आगे की साइड से
इस तरह से आपको क्लोज करते जाना है पत्ते को धागा आगे। फिर से आपको यहाँ एक फंदा बढ़ाना है इस तरह से, फिर बाकी के उल्टे फंदे, एक दो तीन चार पाँच छः फंदे उल्टे धागा पीछे, फिर ये सीधा फंदा आपको सीधा बुनना है धागा आगे, फिर इस साइड में भी आपको एक फंदा बढ़ाना है इस तरह से, फिर उल्टे बुनेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः फंदे उल्टे धागा पीछे, फिर से यहाँ पत्ते को क्लोज करना है इस तरह से, एक फंदा स्लिप एक फंदा सीधा स्लिप फंदा इस तरह से गिरा देना है, फिर से बीच में आपको एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ फंदे सीधे और फिर दोकाई करना है आगे की साइड से धागा आगे, अब इस साइड में भी आपको फंदे घटाना है दोकाई करना है इस तरह से, एक ये दो रंग साइड, आपको जो फंदा उल्टा दिख रहा है इसको उल्टा बुनिए, जो फंदा सीधा दिख रहा है इसको सीधा बुनिए रंग साइड। देखिए राइट साइड एक फंदे से स्लिप करिए, अब यहाँ दो काई करना है घटाना है आपको दो काई करना है इस तरह से, अब यहाँ आपको एक फंदा बचा धागा पीछे, अब एक फंदे से स्लिप करना है एक फंदा सीधा फिर स्लिप फंदा इस तरह से गिरा देना है, और फिर बीच में आपको एक दो तीन चार पाँच छ सात सात फंदे उल्टे बीच में, फिर दोकाई करना है आगे की साइड से धागा आगे, फिर यहाँ आपको फंदे बढ़ाना है इस तरह से उल्टे की साइड से इस तरह से, और फिर बाकी के उल्टे फंदे फिर उल्टा। धागा पीछे फिर इस सीधा फंदा आपको सीधा बुनना है धागा आगे, फिर इस साइड में भी आपको फंदा बढ़ाना है इस तरह से, फिर बाकी के फंदे आपको उल्टा बुनना है, ये उल्टा फंदा उल्टा बुनना है आपको धागा पीछे, फिर से आप इस पत्ते को क्लोज करना है, एक फंदे से स्लिप करिए फिर एक फंदा सीधा स्लिप वाला फंदा इस तरह से गिरा देना है, और बीच में आपको एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ सॉरी सात फंदे सीधे, अब ये दोकाई करना है आगे की साइड से धागा आगे, फिर इस साइड में भी आपको दोकाई करना है इस तरह से, अब एक फंदा उल्टा। रंग साइड आपको जो फंदा उल्टा दिख रहा है उसको उल्टा बुनिए, जो फंदा सीधा दिख रहा है उसको सीधा बुनिए रंग साइड। राइट साइड देखिए, अब यहाँ आपको एक फंदा बचा है इसको कुछ नहीं करना है, एक फंदे से स्लिप एक फंदा उल्टा धागा पीछे, अब यहाँ एक फंदे से उतारिए, अब एक फंदा सीधा स्लिप फंदा इस तरह से गिरा देना है, अब बीच में आपको एक दो तीन चार चार पांच फंदे सीधे बीच में, फिर दोकाई करना है आगे की साइड से धागा आगे, अब यहाँ फंदा नहीं घटा है इसलिए आपको यहाँ फंदा नहीं बढ़ाना है, अब एक दो तीन चार पाँच छ सात फंदे उल्टे धागा पीछे, फिर से आपको फिर इस स्लिप बनाना है आपको, फिर यहाँ से स्टार्ट करना है आपको इस फंदे इस पत्ते को यहाँ फिर से बनाना है, अब इस फंदे में से आपको पांच फंदा बनाना है, एक ए दो तीन चार ए पांच पांच फंदे इस तरह से बनाना है एक फंदों में से, फिर ये सेंटर का एक फंदा सीधा, फिर से आपको इस फंदे में फिर पांच फंदा बनाना है, एक ए दो तीन सॉरी तीन ए चार ए पांच, देखिए इस तरह से आपको स्टार्ट करना है धागा आगे, फिर बाकी के उल्टा फंदा उल्टा बुनना है, एक दो तीन चार पाँच छ
सात फंदे उल्टे, धागा पीछे, फिर से यहाँ आपको क्लच करना है, एक फंदे से स्लिप करिए, फिर एक फंदा सीधा स्लिप फंदा इस तरह से गिरा देना है, फिर बीच में आपको एक दो तीन चार पांच फंदे सीधे बीच में, और फिर दोकाई करना है आगे की साइड से धागा आगे, लास्ट में आपको एक फंदा उल्टा, एक फंदा उल्टा, एज स्टिच भी उल्टा। देखिए रॉन्ग साइड आपको जो फंदा उल्टा दिख रहा है उसको उल्टा बुनिए, जो फंदा सीधा दिख रहा है उसको सीधा बुनिए रॉन्ग साइड। राइट साइड देखिए एक फंदे से स्लिप करिए, अब इस एक फंदा को उल्टा, धागा पीछे, अब इस स्लिप फंदा इस तरह से उतारेंगे एक फंदा, फिर एक फंदा सीधा स्लिप वाला फंदा इस तरह से गिरा देना है आगे के फंदे के ऊपर से, और बीच में फिर एक दो तीन फंदे सीधे बीच में, और दोकाई करना है फिर आगे की साइड से धागा आगे। अब यहाँ आपको फंदा घटाते जाना है, यहाँ इस तरह से दोकाई करना है, और फिर एक दो तीन चार फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, अब यहाँ जाली डालेंगे, एक दो फंदे सीधे जाली डालेंगे इस तरह से, फिर दो फंदे सीधे, अब एक फंदा सीधा, फिर से जाली डालेंगे, फिर से दो फंदे सीधा, एक दो, देखिए सेंटर का फंदा। अब यहाँ आपको फंदा बढ़ाना है, यहाँ आपको फंदा घटा दे जाना है, अब आपको यहाँ फंदा बढ़ाना है इस तरह से, धागा आगे इस फंदे को उल्टा बुनना है, धागा पीछे, अब इस सेंटर का एक फंदा सीधा, धागा आगे, फिर से आपको यहाँ फंदा बढ़ाना है इस तरह से, धागा पीछे। अब यहाँ आपको जाली डालना है, दो फंदे सीधे जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा जाली डालेंगे, फिर से दो फंदे सीधे, एक दो, धागा आगे। अब यहाँ आपको फंदा घटाना है, दो काई करना है, और फिर बाकी के उल्टे फंदे, एक दो तीन चार पांच फंदे उल्टे, धागा पीछे, फिर से आपको यहाँ स्लिप क्लोज करते जाना है, एक फंदे से स्लिप करिए, फिर एक फंदा सीधा स्लिप फंदा इस तरह से गिरा देना है, और फिर बीच में आपको एक दो तीन फंदे सीधे बीच में, फिर दोकाई करना है आगे की साइड से धागा आगे, एक फंदा उल्टा, एज स्टिच भी उल्टा, इसी तरह से आपको क्लोज करते जाना है लिप को। रॉन्ग साइड आपको जो फंदा उल्टा दिख रहा है इसको उल्टा बुनिए, जो फंदा सीधा दिख रहा है इसको सीधा बुनिए रॉन्ग साइड। राइट साइड देखिए एक फंदे से स्लिप करिए एज स्टिच, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदे से स्लिप करिए, फिर एक फंदा सीधा स्लिप फंदा इस तरह से गिरा देना है आगे के फंदे के ऊपर से, फिर बीच में आपको एक फंदा सीधा बीच में, फिर दोकाई करना है आगे की साइड से धागा आगे, और फिर ये दोकाई करना है इस तरह से उल्टी की साइड से, फिर एक ये दो तीन फंदे उल्टे, धागा पीछे, फिर से आपको यहाँ जाली डालेंगे, एक दो तीन फंदे सीधे जाली डालेंगे यहाँ इस तरह से, एक फंदा सीधा, फिर से जाली डालेंगे यहाँ, अब तीन फंदे सीधे, एक दो ये तीन, देखिए अब यहाँ आपको एक फंदा बढ़ाना है, यहाँ फंदे को घटाया, यहाँ आपको फंदा बढ़ाना है इस तरह से, धागा आगे इस फंदे का आप उल्टा बुनेंगे, फिर एक फंदा उल्टे, यहाँ आपको दो फंदे उल्टे हो गए, धागा पीछे, इस सेंटर का एक फंदा सीधा,
धागा आगे, फिर से आपको यहाँ फंदा बढ़ाना है, इस तरह से लेके उल्टा बुनना है, एक दो, यहाँ भी आपको दो फंदे उल्टे, फिर से आपको जाली डालना है, एक दो तीन फंदे सीधे, जाली डालेंगे इस तरह से, अब ये सेंटर का एक फंदा सीधा, फिर से जाली डालेंगे इस तरह से, फिर तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, धागा आगे, अब यहाँ आपको फंदा कटाना है, दो का एक करना है इस तरह से, अब फिर बाकी उल्टा फंदा, एक दो तीन, चार फंदे उल्टे, धागा पीछे, अब एक फंदे से स्लिप करिए, एक फंदा सीधा, स्लिप फंदा इस तरह से गिरा देना है, फिर बीच में आपको एक फंदा सीधा, और फिर दो का एक करना है आगे की साइड से, धागा आगे, लास्ट में आपको एक फंदा उल्टा, एज स्टिच उल्टा, रंग साइड आपको जो फंदा उल्टा दिख रहा है उसको उल्टा बुनिए, जो फंदा सीधा दिख रहा है उसको सीधा बुनिए, राइट साइड एक फंदे से स्लिप करिए, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, देखिए आप इस पत्ते को आपको टोटली क्लोज करना है, अब इस तीन फंदों को एक फंदा बनाना है, देखिए इस तरह से एक फंदे से स्लिप करिए, दो फंदों को सीधा बुनिए, दो फंदों का एक फंदा बनाइए, फिर ये स्लिप फंदा इस तरह से गिरा देना है, तीन फंदों का एक फंदा हो गया, टोटली आपको इस फंदे लिप का पैटर्न क्लोज हो गया, धागा आगे, अब यहाँ आपको फंदा घटाना है, दो का एक करना है इस तरह से, फिर एक दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, अब यहाँ आपको फिर से जाली डालनी है, एक दो तीन, चार फंदे सीधे, जाली डालनी इस तरह से, एक फंदे सीधे, फिर से जाली डालनी इस तरह से, फिर चार फंदे सीधे, एक दो तीन चार, धागा आगे, अब यहाँ भी आपको फंदा बढ़ाना है, इस तरह से लेके इस फंदे को सीधा उल्टा बुनेंगे, एक दो तीन फंदे उल्टे हो गए, धागा पीछे, अब ये सेंटर का एक फंदा सीधा, धागा आगे, फिर से आपको यहाँ भी फंदा बढ़ाना है इस तरह से, इस तरह से लेके एक दो तीन फंदे उल्टे, धागा पीछे, और फिर यहाँ भी आपको जाली डालनी है, एक दो तीन, चार फंदे सीधे, जाली डालेंगे इस तरह से, एक फंदा सीधा, फिर से जाली डालेंगे इस तरह से, फिर चार फंदे सीधे, एक दो तीन चार, धागा आगे, फिर से आपको यहाँ फंदा घटाना है, दो का एक करना है इस तरह से, फिर एक दो तीन फंदे उल्टे, धागा पीछे, और फिर इस पत्ते को आपको टोटली क्लोज करना है, एक फंदे से स्लिप करिए, दो फंदों का एक फंदा बनाइए आगे की साइड से, फिर इस फंदे को इस तरह से गिरा देना है, इस फंदे के ऊपर से, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, एज स्टिच भी उल्टा, रंग साइड आपको जो फंदा उल्टा दिख रहा है उसको उल्टा बुनिए, जो फंदा सीधा दिख रहा है उसको सीधा बुनिए, रंग साइड देखिए नीचे आपने किस तरीके से बनाए थे उसी तरीके से आपको ऊपर भी बनाना है, देन आगे आगे इस फंदे को भी बढ़ाते जाना है, देखिए इस तरीके से आपको डिजाइन बनता चला जाएगा, देखिए इस डिजाइन को आप स्वेटर के सेंटर में भी डाल सकते हो, बहुत ही सुंदर बन के आएगा, लास्ट में मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, थैंक यू।